नमस्कार, मैं विकास अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम शिक्षा में सुने गए समाचार कार्यक्रम डेटाई द्वारा सचिव रोचक होता आपको आज बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे खेल खेल शिक्षण नवाचार के द्वारा इस पाठ को विद्यार्थियों को रोचक तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आज का विषय एनसीईआरटी कक्षा 5 विषय हिंदी चिट्ठी का सफर। हम जानते हैं कि बच्चे खेलने में ज्यादा पसंद करते हैं पढ़ने के बजाय, और जब बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है तो बच्चे उसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेंगे, पाठ को पुनः अध्ययन कर लेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें इस पाठ का स्मरण बहुत दिनों तक रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे खेल खेल में हम इस पाठ को रोचक तरीके से पढ़ाया जा सकता है। खेल खेल के अंतर्गत हमारा ये आइडिया है चित्र में है इस आज्ञा को क्रियान्वयन करने के लिए टीचर्स को पहले कुछ चित्र इकट्ठे करने होते हैं, जैसे पत्र ले जाता हुआ कबूतर, लिफाफा, डाकघर के चित्र, अंतर्देशी और पुराने लिफाफे जो उनके घर में आए हुए हैं डाक द्वारा, जिसमें टिकट और आने जाने का पता साफ साफ लिखा हुआ। जब शिक्षक ये सारे चित्र इकट्ठे कर लेते हैं तब वो क्लास में घुसते समय उसे कुछ अरेंज करते हुए घुसते हैं ताकि विद्यार्थियों का टेंशन उनके तरफ चला जाए। और वो शिक्षक करते क्या है कि जब वो अरेंज करते हुए संभालते हुए उस चित्र को घुसते हैं क्लास में तो उन्हें गिरा देते हैं। जब गिरा देते हैं तो चित्र बिखर जाती है, तो शिक्षक उन्हें विद्यार्थियों को कहते हैं कि वो आगे आके मदद करें और उस चित्र को उठाए और व्यवस्थित करें। जब विद्यार्थी आकर उस चित्र को उठाता है और देखता है कि उस चित्र में है क्या, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के अंदर सवाल उत्पन्न होती है कि ये क्यों आया है और इससे होगा क्या। इसके बाद शिक्षक और छात्र में संवाद शुरू होते हैं। वो पूछने लगते हैं कि क्या आपने कभी इस चित्र को देखा है, कभी आपने ये देखा है कि कैसे और कहां ये चित्र आपके पास आया हुआ है। तो बच्चे को ये भी पूछते हैं कि जब हम दूर बैठे लोगों से हम बात कैसे करते हैं, हम उन्हें संदेश कैसे पहुंचाते हैं। तो बच्चे इनके जवाब बड़े अच्छे से देते हैं और रोचक तरीकों से आप उनसे संवाद इस तरह शुरुआत कर सकते हैं। आप उन्हें बताते हैं इस चित्र के माध्यम से कि पहले के समय में संचार जो हुआ करता था वह कबूतरों के द्वारा हुआ करता था, और सारे प्रजाति नहीं, सिर्फ दो प्रजाति जो है कबूतर जिन्हें ट्रेन किया जाता था इस सारे चिट्ठियों संदेश पहुंचाते थे। और जैसे जैसे समय बीतते गया हमारा जो संचार का माध्यम था वो डेवलप होता चला गया, और आज के डेट में और पिछले के डेट में संचार में क्या क्या फर्क आए वो आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। अब फिर आप पुराने लिफाफे को दिखाते हुए उन्हें बता सकते हैं कि इस डाक टिकट का क्या महत्व है और आने जाने के लिए क्या क्या एड्रेस में लिखने पड़ते हैं, वो बच्चों को बड़े एक प्रैक्टिकल तरीके से बता सकते हैं उस लिफाफे को दिखा। जब ये सारे गतिविधि हो जाते हैं तो बच्चे के बीच में चर्चा करते हैं कि उन्हें अनुभव हुआ है। उसके बाद आप पाठ का परिचय देते हैं कि आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है चिट्ठी का सफर। जब आप ये पाठ पढ़ते हैं तो बच्चे को ग्रुप में बांट देते हैं, दो तीन ग्रुप कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इसे पढ़ें। जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो महसूस करते हैं कि जो आपने चर्चा परिचर्चा पहले किया था उसी से ये पाठ आया हुआ है, और उन्हें बड़े अच्छे ढंग से वो पाठ पढ़ लेते हैं और याद रखते हैं। और आप उन्हें आदेश भी देते हैं जो भी चिट्ठी और संचार के बारे में जो भी शब्द आते हैं उन्हें भी अंडरलाइन करवाते हैं, उन्हें नोटबुक पर लिखने के लिए कहते हैं। जब बच्चे उसे नोटबुक पर लिखते हैं तो उनकी शब्दावली बढ़ती है, और जब वो शब्दों से वाक्य बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लेखन शैली में सुधार आता है। हम चर्चा परिचर्चा उनके बीच में जब करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सोचने का शक्ति बढ़ता है, और जो छात्र धीमी गति से समझते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं चित्र के माध्यम से पाठ बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है और लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं। आशा करते हैं कि नवाचार आपको पसंद आया होगा और अपने विद्यालय में से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह से दिलचस्प वीडियो हम लाते रहेंगे।
अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप ये वीडियो जेडाई या फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।